हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोया का चटपटा सा नाश्ता। ये कम समय में बन जाता है और इसको बनाने के लिए भी कम सामग्रियां चाहिए। जब भी आप शाम के समय कुछ खाने का मन हो चटपटा सा, तो एक बार इस तरीके से सोया का नाश्ता बनाकर ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही क्रिस्पी होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले, आप सबका स्वागत है मेरे कुकिंग चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप जितना सोया लिया है। यहाँ पर मैंने 2 कप के हिसाब से सोया को लिया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उसमें 2 कप जितना सोया डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी इसको भिगोने के लिए। इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखना है। ये देखिए, इसमें पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से डुबो कर 10 मिनट तक इसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। ये अब 10 मिनट हो गया है, अच्छे से फूल भी चुका है। ये देखिए, इसको अच्छे से निचोड़ कर हमें इस तरह से निकाल के लेना है। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छे से निचोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे सोया को अच्छे से निचोड़ कर निकाला है पानी इसमें से। इसको अच्छे से निकालने के बाद हमें इसको अभी फ्राई करना है। ये देखिए, सारे सोया को मैंने निचोड़ के लिया है। अब मैंने यहाँ पर गैस पे एक कढ़ाई रखी है। अब मैं गैस ऑन करके इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डालूँगी। आप जितना ऑयल डालेंगे उतना क्रिस्पी बनेगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डालिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच जितना जीरा डाला है। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 चुटकी जितना हल्दी। अब मैं यहाँ पर डालूँगी बिल्कुल 1 चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर। हमें अब इसमें डालना है मैगी मसाला। जो भी मार्केट में या कहीं भी किराना स्टोर में 5 वाली मैगी मसाला पैकेट मिलती है, वही आप यूज़ कीजिए। मैगी मसाला पैकेट नहीं है तो आप गरम मसाला यूज़ कीजिए। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच से 2 चम्मच जितना टमाटर सॉस डाला है। आपको खट्टा मीठा पसंद है तो टमाटर सॉस डालिए, नहीं तो आपको इस सोया को क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो टमाटर सॉस को स्किप कीजिए। ये देखिए, अच्छे से ये सारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें सोया को डालूँगी। ये देखिए, सारे सोया को मैंने इस कढ़ाई में डाला है। इस तरीके से डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। आप इस सोया का नाश्ता बिल्कुल क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो टमाटर सॉस को बिल्कुल स्किप करिए, नहीं तो आपको खट्टा मीठा पसंद है तो इसमें टमाटर सॉस ज़रूर डाले। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून से थोड़ा कम यहाँ पर नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए, नमक डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। आप जितना इसको हिलाते रहेंगे 5 से 10 मिनट तक, ये उतनी क्रिस्पी बनती है। लेकिन मैंने यहाँ पर टमाटर सॉस डाला है इसलिए थोड़ा ये क्रिस्पी नहीं बनेगा, लेकिन खट्टा मीठा ज़रूर बनेगा। ये देखिए, अच्छे से मैंने यहाँ पर 5 मिनट तक इसको मिक्स किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऊपर से हरी धनिए के पत्ते को डाला है। हरी धनिए के पत्ते को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर गैस को ऑफ करना है। फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। जब भी आप चाय पीने का समय हो या शाम के समय कुछ खाने का मन हो तो इस तरीके से ज़रूर बना कर खाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब